वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 5 जनवरी 2019। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये आर्टिकल देखिए जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस के बारे में है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर 2019 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, ऑल इंडिया इलेक्शंस होने वाले हैं, उनके पैरेलल अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवाना चाहता है तो सरकार उन्हें फैसिलिटेट करने को तैयार है, उनकी मदद करने को तैयार है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार तैयार है जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए। यही बातें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। ये आर्टिकल फ्रीबीज के बारे में है, जो आर्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इलेक्शंस के दौरान पोलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के बारे में है। जो बातें बताई गई हैं वो पाकिस्तान स्पेसिफिक बताई गई हैं, पाकिस्तान किस तरीके से ज़िम्मेदार था, बांग्लादेश में जो एक्सक्लूजन हुआ उसके लिए पाकिस्तान की कौन सी पॉलिसीज़ सही नहीं थी, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जो आर्टिकल का क्रक्स है वो तो सही नहीं है, बट बांग्लादेश के लिबरेशन का जो इशू है वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जानते हैं तो रिविज़न हो जाएगा, जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखिए, 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है और ये आज़ादी अपने साथ बंटवारा लेकर आती है। एक भारत जिसे कभी अखंड भारत कहा जाता था वो दो हिस्सों में बट गया, इंडिया और पाकिस्तान। थोड़ा सा और अगर हम स्पेसिफिक हो जाएं तो तीन हिस्सों में बट गया, क्योंकि पाकिस्तान को खुद ही दो हिस्सों में बनाया गया था। एक हिस्सा वेस्टर्न पाकिस्तान, जिसे आज का हम पाकिस्तान कहते हैं, और दूसरा हिस्सा ईस्टर्न पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है। देखिए, 1947 में ये एक ऐतिहासिक गलती की गई थी कि दो भाषाई और सांस्कृतिक रूप से अलग भौगोलिक इकाइयों को एक देश बना दिया गया, जिनके बीच की ज्योग्राफिकल डिस्टेंस भी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स थी। कई सारी दिक्कतें थी, पाकिस्तान जो वर्तमान का है और जो ईस्टर्न पाकिस्तान पहले का हुआ करता था उनके बीच में, जैसे कि ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता था, उन्हें एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया जाता था, उनके वेलफेयर का ख्याल नहीं रखा जाता था, कई सारे और भी डिफरेंसेस थे, वो रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे थे। इन सारी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए देखते हुए 1971 में जो वहाँ के डिक्टेटर थे यहा खान, उन्होंने बोला कि एक इलेक्शन करवा लेते हैं। और ये बात सभी को पसंद आई कि हाँ, इलेक्शन हो जाएगा तो जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। अब इस इलेक्शन में वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान की ओर से दो महत्वपूर्ण लीडर्स कंटेस्ट कर रहे थे। ईस्टर्न पाकिस्तान की ओर से कंटेस्ट कर रहे थे मुजीबुर रहमान, जिनकी पार्टी थी आवामी लीग। अभी वर्तमान में इलेक्शन हुए हैं बांग्लादेश में, जहां पर शेख हसीना जीत कर आई हैं। शेख हसीना इन्हीं मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, ठीक है। और यहां पर वेस्टर्न पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। अब देखिए, इलेक्शन के रिजल्ट्स में जो ईस्टर्न पाकिस्तान में कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन मुजीबुर रहमान, उन्हें काफ़ी अच्छी जीत हासिल हुई। ईस्टर्न पाकिस्तान में टोटल 167 सीट्स थी और इसमें से इनफैक्ट 169 सीट्स थी, जिसमें से 167 सीट्स जो थी वो मुजीबुर रहमान को मिली। ऑन द अदर हैंड, वेस्टर्न पाकिस्तान में जो टोटल 144 सीट्स थी, इसमें से महज 88 सीट्स जुल्फिकार अली भुट्टो को मिल पाई। अब इससे ये साफ था कि ईस्टर्न पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान जो जीते हैं उनके पास पर्याप्त सीट्स हैं कि वो पूरे पाकिस्तान में सरकार बना सकते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। हालांकि वेस्टर्न पाकिस्तान में जो पोलिटिकल रिजीम था उसे ये बात मंजूर नहीं थी, उन्होंने मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर मानने से इनकार कर दिया, उनकी सरकार को बनने से इनकार कर दिया। अब इसके बाद काफ़ी विरोध शुरू हुआ, बातचीत का दौर शुरू हुआ, कई राउंड्स की बातचीत की गई, सहमति नहीं बन पाई। अल्टीमेटली मुजीबुर रहमान, जो ईस्टर्न पाकिस्तान में इलेक्शन जीते थे, उन्हें कैद कर लिया गया। जो विरोध था वो और भी बढ़ गया, इनफैक्ट वायलेंट हो गया ईस्टर्न पाकिस्तान में। वहाँ के लोग मुजीबुर रहमान को एक पीएम के रूप में देखना चाहते थे, उनकी आज़ादी की मांग कर रहे थे, और इसके जवाब में वेस्टर्न पाकिस्तान ने अपनी आर्मी ईस्टर्न पाकिस्तान में भेज दी। वेस्टर्न पाकिस्तान की आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया, जिनोसाइड किया गया, बहुत सारे लोगों की हत्या की गई, रेप्स किए गए। ये जो इवेंट चल रहे थे इनका बहुत बड़ा प्रभाव भारत के ऊपर भी पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे वो माइग्रेट करके रिफ्यूजी के तौर पे इंडिया में आ रहे थे। लगभग 7.5 मिलियन रिफ्यूजी इंडिया में आ चुके थे। इंडिया के ऊपर बर्डन इतना ज़्यादा था कि इंडिया के लिए ये बेरेबल नहीं था। दूसरी बात कि जब रिफ्यूजीज आते हैं तो उनके साथ कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी आते हैं, जो कि नुकसान पहुँचाते हैं जहाँ पर वो आते हैं वहीं पर, तो ये भी एक कंसर्न था। अपार्ट फ्रॉम दैट, रॉ की एक रिपोर्ट आई थी कि जो पाकिस्तान है वो बड़े बड़े हथियार खरीद रहा है चाइना से, अदर नेशंस से वो वॉर की तैयारी कर रहा है। इन सभी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए भारत ने भी एक प्रोएक्टिव रोल स्टार्ट कर दिया। इंडिया ने भी, जो एक मुक्ति वाहिनी सेना थी जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान में एक्टिव थी, वो वेस्टर्न पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे, वो एक आर्म्ड ग्रुप था, इंडिया ने उसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इंडिया ने उसे हथियार दिए, उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। इंडिया ने पूरे जो अदर कंट्रीज़ थी वर्ल्ड की, उनसे एक पोलिटिकल सपोर्ट भी गैदर किया कि पाकिस्तान किस तरीके से इंडिया के लिए समस्याएँ खड़ी कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट,
इंडिया ने यूएसएसआर के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की ताकि भविष्य में हुए वॉर में यूएसए के खतरे को टाला जा सके, और उसके साथ ही साथ बड़े बड़े हथियारों को भी यूएसएसआर से खरीदा गया। अब इतनी तैयारी इंडिया ने कर ली थी। इन बिटवीन देखिए, पाकिस्तान ने ईस्टर्न पाकिस्तान के हिस्से पर बॉम्बार्डिंग शुरू कर दी, इंडिया ने रिटेलिएट किया। इसके साथ ही साथ वेस्टर्न पाकिस्तान पर पाकिस्तान ने इस ओर से एक मैसिव अटैक किया। अब वो समय आ चुका था जब इंडिया वो करे जिसकी वास्तव में ज़रूरत थी और जिसके लिए इंडिया बिल्कुल तैयार भी था। इंडिया ने मैसिव काउंटर अटैक किया। पाकिस्तान की आर्मी उस स्थिति में नहीं थी कि इंडिया के उस अटैक को झेल सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे वो भी इंडिया को अपना समर्थन दे रहे थे। इंडिया ने जो अटैक्स पाकिस्तान के ऊपर किए उसका रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया और बांग्लादेश नाम का एक स्वतंत्र देश विश्व के नक्शे पर, वर्ल्ड मैप पर अस्तित्व में आया, जो कि आज हमारा एक बहुत ही अच्छा पड़ोसी देश है। तो ये तो था बांग्लादेश के लिबरेशन का किस्सा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आर्टिकल जॉब्स के बारे में है लेकिन बहुत सारा डेटा फैक्ट डिस्कस किया गया है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है लेकिन ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में है, हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, ये बातें पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में है। आप इंस्टीट्यूशन को इस प्रोग्राम के लिए अप्रोच कर सकते हैं जहां पर आपके पास एक कोच होंगे जो कि आपको टारगेट देकर आपकी सेल्फ स्टडी करवाएंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट करवाएंगे, आपको गाइड करेंगे आपको कैसे पढ़ना है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। ओवरऑल वो आपको सुपरवाइज़ करेंगे कि आपकी तैयारी बेहतर हो और आप आसानी से सिलेक्शन ले पाएँ। इस प्रोग्राम के बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर आपको स्लाइड में नीचे की ओर दिख रहा है। ऐसे राइटिंग में आज हमारे पास एक स्टेटमेंट है मार्टिन लूथर किंग का, लाइफ्स मोस्ट परसिस्टेंट एंड अर्जेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर यू डूइंग फॉर अदर्स। जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप अपनी समझ और अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला आर्टिकल, फ्री फॉर ऑल वोटर्स। पेपर टू से टॉपिक को जोड़िए, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स वाले सेक्शन से। देखिए, फ्री भी इसका मतलब फ्री में दिए गए सामान से होता है। फ्री का जो सामान है वो दिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है पोलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपने वोटर्स को ल्योर करने के लिए ताकि वो लोग उस पोलिटिकल पार्टी को वोट दे दें। इसी बारे में इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है तो हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में एक फिल्म, तमिल फिल्म रिलीज़ की गई, नाम था सरकार। इस फिल्म में फ्री बीज के डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया लेकिन ये बात रूलिंग पार्टीज को समझ में नहीं आई या वो इसे पसंद नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने इवन उस फिल्म के प्रोड्यूसर को कंपेल किया कि वो उन सीन्स को काटें और फिल्म को री रिलीज़ करें। अब इसके बाद ही जो फ्री बीज का मुद्दा था ये काफ़ी हाईलाइट हो गया। फ्री बीज के डिस्ट्रीब्यूशन का किस्सा एमजी रामचंद्रन जी के साथ शुरू होता है जिन्होंने फ्री में धोतीज एंड साड़ीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया था। 2006 में डीएमके ने प्रॉमिस किया कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो वो हर फैमिली को एक फ्री कलर टीवी देंगे अगर उनके पास कलर टीवी नहीं है तो, और सरप्राइजिंगली उन्होंने इलेक्शन में जयललिता जी के एआईडीएमके को हरा दिया। अब देखिए, यहाँ पर मैं कुछ इंडिविजुअल्स या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले रहा हूँ आपको इशू को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन जब आप आंसर्स लिखेंगे तो आप किसी भी इंडिविजुअल अथवा पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेंगे, ठीक है? आप सिंपल से अपनी बात कहेंगे, किसी भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक पार्टी का आप नाम अपने आंसर्स में मेंशन नहीं करेंगे। उसके बाद 2011 में जब इलेक्शंस हुए तो डीएमके ने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया उसमें 9,000 करोड़ रुपए का बजट रखा फ्री बीज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 9 लाख लैपटॉप्स दिए जाने की बात कही गई प्लस टू के स्टूडेंट्स को, 25 लाख फ्री मिक्सर ग्राइंडर्स टेबल फैंस, 4 ग्राम सोना प्लस 50,000 रुपए उन बच्चियों को जिनकी शादी हो रही है, 60,000 ग्रीन हाउसेस पुअर फार्मर्स को, 1.83 करोड़ फैमिलीज को राइस, फ्री काउज एंड गोट्स देने की भी बात की गई। यू कैन सी कि कितने वाइड स्केल पे फ्री बीज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही गई। इतना होने के बाद कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ये इलेक्शन जीती ये बताने पे आपको कोई प्राइज़ नहीं मिलेगा क्योंकि सबको पता है कौन जीतेगा, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि इससे कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है कि आप इतना फ्री बीज देंगे हम आपसे ज़्यादा देंगे, इससे जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है, रियून हो जाती है। देखिए, कोर्ट्स का क्या रवैया है फ्री बीज के बारे में, क्या रहा है पास्ट में। फ्री बीज के डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में कई बार कोर्ट्स के सामने इन इश्यूज़ को चैलेंज किया गया है, अनसक्सेसफुली। मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था एक बार, सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 2013 में इसे चैलेंज किया गया था। आर्गुमेंट ये दिया गया था चैलेंज करते वक्त, दो आर्गुमेंट्स दिए गए थे, दोनों आर्गुमेंट्स को हम एनालाइज करते हैं। पहला आर्गुमेंट तो ये दिया गया कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 को वायलेट करता है, दूसरा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हम पहला मुद्दा देखते हैं जिसमें आर्गुमेंट ये दिया गया था कि फ्री बीज का डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को वायलेट करता है, उसका वन जो सेक्शन 123 है उसको वायलेट करता है। कैसे? क्योंकि सेक्शन 123 में ब्राइबरी को डिफाइन किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट गिफ्ट या प्रॉमिस ऑफर करता है
या किसी इलेक्शन एजेंट के द्वारा ऐसा ऑफर दिया जाता है किसी व्यक्ति को ताकि वो उससे वोट ले सकें, तो इसे ब्राइबरी कंसीडर किया जाएगा। अनडाउटली ये जो फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वोटर्स को किसी पार्टिकुलर पार्टी के प्रति उनका जो झुकाव है बढ़ा देता है या उनको ल्योर कर लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि सेक्शन 123 किसी कैंडिडेट पे अप्लाई होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे अप्लाई नहीं होता। कंसिक्वेंटली अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये गिफ्ट दे रही है तो उसे ब्राइब नहीं माना जाएगा, कोई इंडिविजुअल दे रहा है तो माना जाएगा, लेकिन ये रीजनिंग बिल्कुल गलत है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, सपोज करिए कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जिसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई एफिलिएशन नहीं है, वो ये प्रॉमिस देता है कि वो फ्री कलर टीवी देगा या लैपटॉप देगा, हालांकि इंडिविजुअल्स के लिए काफ़ी महंगा होता है। सपोज करिए बहुत वेल्दी है तो वो अफोर्ड कर सकता है, अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स को ये फ्रीबीज देता है तो वो करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी। लेकिन उससे भी बहुत बड़े स्केल पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये वादा करती है तो वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल आर्गुमेंट है। अब आगे बात की जाती है कि जो फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 182 को वायलेट करता है। आर्टिकल 182 ये कहता है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक फंड का इस्तेमाल केवल पब्लिक पर्पज़ से ही कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर फ्रीबीज का जो इस्तेमाल किया जाता है वो प्राइवेट पर्पज़ के लिए किया जाता है। आप लोगों को कुछ सामान देने का वादा इसलिए करते हैं ताकि आप अपने लिए एक सीट सिक्योर कर सकें। यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ कोर्ट्स ने रूलिंग दी है कि पब्लिक फंड का इस्तेमाल किसी ऐसे उद्देश्य से नहीं किया जा सकता जिससे कि प्राइवेट एसेट का क्रिएशन हो। अब इसका क्या मतलब है, प्राइवेट एसेट के क्रिएशन का मतलब क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, सपोज करिए कोई राजनीतिक दल, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी एक पब्लिक स्कूल को फ्री में कंप्यूटर या लैपटॉप देती है। अब इससे गरीब बच्चे पढ़ेंगे, उन्हें फ़ायदा होगा, अच्छी बात है, लेकिन वो कंप्यूटर या लैपटॉप प्रॉपर्टी किसकी होगी, स्कूल की प्रॉपर्टी होगी, तो उसे पब्लिक प्रॉपर्टी माना जाएगा। लेकिन जब लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बच्चों को तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है, और प्राइवेट एसेट की जनरेशन में अगर पब्लिक फंड का इस्तेमाल किया जाता है तो वो अलाउड नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स को रेफर नहीं किया, इन आर्ग्यूमेंट्स को कंसीडर नहीं किया, और जब उन्होंने अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दिया तो वो ज़्यादा सरप्राइजिंग था। उन्होंने ये बोला कि जो फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हालांकि सेक्शन 123 जो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का है उसके तहत एक करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, स्टिल उन्होंने ये बात मानी कि फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन अनडाउटली लोगों को प्रभावित करता है। वो ये मानते तो हैं लेकिन कोई डायरेक्टिव नहीं देंगे। वो इतने पर रुके नहीं हैं, वो आगे बढ़े हैं। उन्होंने ये बोला कि ये फ्री और फेयर इलेक्शंस के रूट को शेक कर देता है, हिला देता है। वो ये भी मानते हैं कि इतना ज़्यादा इसका नुकसान होगा, लेकिन वो कोई डायरेक्टिव नहीं दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो डायरेक्टिव दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को अपने एफिडेविट में स्वीकार किया था कि फ्री बीज के डिस्ट्रीब्यूशन से फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने में दिक्कत होती है। उन्होंने ये तक कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्टिव देती है तो वो इसे इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत अच्छा मौका था सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो फ्री बीज के डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में कोई डायरेक्टिव दे देते, इलेक्शन कमीशन उसे इंप्लीमेंट कर देता, समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई डायरेक्टिव नहीं दिया, उन्होंने सिंपली ये कह दिया कि जो इलेक्शन कमीशन है उसे सभी राजनीतिक दलों के साथ कंसल्ट करके एक सूटेबल डायरेक्शन बना लेनी चाहिए। अब देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राजी नहीं होगी क्योंकि इससे उनका नुकसान होगा, वो अपना नुकसान क्यों करेंगे। अब आगे कंक्लूजन में ये बोला गया है कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि डीजल व्हीकल्स पर बैन लगा देता है, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो ये डायरेक्टिव देता है कि बीसीसीआई को कैसे कंस्टिट्यूट किया जाएगा, लेकिन वो डायरेक्टिव नहीं देंगे कि फ्रीबीज के डिस्ट्रीब्यूशन को रोकना है अथवा नहीं रोकना है। अब ये उनका जो आर्गुमेंट दिया उन्होंने कि हाँ वो ऐसा नहीं कर सकते, जस्टिफाइड एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि जब वो बैंस इंप्लीमेंट करते हैं या बीसीसीआई के रिकंस्टिट्यूशन की बात करते हैं तब भी ये कहा जाता है कि वो अपने एम्बिट के बाहर जाके काम कर रहे हैं, लेकिन वो करते हैं तो वो यहाँ पे भी कर सकते थे। हाल ही में इलेक्शन असेंबली इलेक्शंस हुए, किसी भी राजनीतिक दल के पास कोई कंक्रीट प्लान नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे इंप्रूव किया जाएगा, सब लोन वेवर्स और फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। गुड गवर्नेंस को इंश्योर अगर नहीं किया जाता है तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक गलत चीज़ है, उसे स्ट्रेंथन नहीं करेगा। ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगला आर्टिकल चलने से पहले एक मीन्स का क्वेश्चन, हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीबीज इंपैक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, व्हाई डू यू थिंक सुप्रीम कोर्ट हैव नॉट इशूड एनी डायरेक्टिव सो फार टू बैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीबीज बाई पोलिटिकल पार्टीज, डिस्कस करना है 200 शब्दों में। अगला आर्टिकल देखते हैं, सिटीजन्स एंड देम, पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस वाले सेक्शन से। अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर 2 के ही मैकेनिज्म, लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस वाले सेक्शन से भी इसे जोड़ा जा सकता है। देखिए, जो सिटीजनशिप का आइडिया है वो अभी स्टेक पर है। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अभी जो वर्तमान सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया था उसमें जो बदलाव प्रपोज किया था उस पर अपनी संस्तुति अपना अप्रूवल दे दिया है। ये जो अमेंडमेंट है
ये रिलीजियस धार्मिक आधार पर नागरिकता की बात करता है, जो कि हमारे संविधान की आत्मा के हिसाब से सही नहीं है। और इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ही फार रीचिंग होंगे। नुकसान होगा स्पेशली आसाम में, जहाँ पर सिटीजनशिप हमेशा से एक कंटेस्टेड इशू रहता है। अमेंडमेंट होने के बाद जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, लाइक हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इनके लिए भारत में नागरिकता लेना बहुत आसान हो जाएगा। ये महज 6 साल भारत में रहकर, पहले 12 साल का ये प्रावधान था, भारत में नागरिकता ले सकते हैं, तब भी जब उनके पास आवश्यक पेपर्स ना हों। और इस आधार पर मुस्लिम्स के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इनके लिए स्थिति काफ़ी ख़राब होगी। और ऐसा इस आधार पर किया जा रहा है, एक नोशन इसके बैकअप में है, एक मिसगाइडेड नोशन है कि जो इंडिया है वो प्राइमरली एक हिंदू नेशन है, और इसी आधार पर मुस्लिम्स को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ये जो सेंटिमेंट है ये बहुत ही गलत है, ख़राब है। यहाँ पर एक लॉजिक और भी जस्टिफाई किया जा रहा है, मतलब ऐसा करके वो उस आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं टू नेशन थियरी के, जिसे हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बिल्कुल सही तरीके से कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ पर देखिए आगे ये बताया गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर सिटीजनशिप का आइडिया बहुत ही इंक्लूसिव है, वहाँ पर किसी भी तरीके की रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की गई है। और इसका देखिए जो इशू है वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्स रेज करता है आसाम के लोगों के लिए, बिकॉज वहाँ पे 30 लाख लोग अभी वर्तमान में ऐसे हैं जो अपना नाम NRC में अपडेट नहीं करवा पाए हैं। जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है वो बाकी लोगों को तो बहुत आराम से भारत की नागरिकता लेने में मदद कर देगा, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, उनकी जो स्थिति है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। और ऐसा करके सरकार ने आर्ग्यूमेंट दिया कि वो 1985 में जो असम अकॉर्ड साइन किया गया था उसके क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लॉज 6 ये बोलता है कि असम की कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को इंश्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और प्रमोट करने के लिए जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स तैयार करेगी। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने भी कई बार इसको पूरा करने की मांग की है। कंक्लूजन में ये बोला गया है कि अगर अननेसेसरी इम्फेसिस किया जाता है एथनिसिटी, लिंग्विस्टिक या रेसिस्ट प्योरिटी पे, तो इससे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है, ये केवल एक्सक्लूजन की एक खतरनाक राजनीति होगी और कुछ भी नहीं। अगला आर्टिकल देखते हैं, वी डोंट नीड कैरियर जजेस इंडिया। पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए जुडिशरी वाले सेक्शन से, आइए बात करते हैं। देखिए नीति आयोग ने अभी एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया विद द टाइटल स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75, जिसमें उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के लिए एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का प्रावधान होना चाहिए, जैसे कि IAS और IPS के लिए है, लेकिन इसमें कई सारी चीज़ों को अनएड्रेस छोड़ दिया गया, आइए उन पर हम बात करते हैं। देखिए पास्ट में क्या हुआ है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आज़ादी के बाद से ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। जो फर्स्ट लॉ कमीशन था उन्होंने अपनी 14th रिपोर्ट में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को एडवोकेट किया था, ये कहते हुए कि अगर जजेस का अपॉइंटमेंट भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के आधार पर होगा तो उनको भी सेम सैलरी अलाउंसेस मिलेंगे, उनका कैरियर प्रोस्पेक्ट भी अच्छा रहेगा। सब्सिक्वेंटली इस संबंध में जो बहुत ही इनफेमस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान लाया गया था, उसमें भी इसे इंप्लीमेंट करने के प्रयास किए गए थे। अब अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो आर्टिकल 312 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को एस्टैब्लिश करने के संबंध में प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, अगर इस संबंध में एक रिजोल्यूशन राज्यसभा की 2/3 मेजोरिटी के साथ अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में पास कर दिया जाए तो। ये भी नोट करने वाली बात है कि जो प्रोविजन है आर्टिकल 312 का, ये केवल डिस्ट्रिक्ट जजेस तक ही लिमिटेड है, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज नहीं कर सकता, ये रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 236 में इम्पोज किए गए हैं। आगे देखिए आर्टिकल 312 में ये प्रावधान है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का प्रावधान किया जा सकता है, मतलब संविधान इसकी अनुमति देता है, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। वर्तमान में जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी के जजेस हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल 233 और आर्टिकल 234 के आधार पे किया जाता है। आर्टिकल 233 ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो स्टेट का गवर्नर उस स्टेट की हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ करेगा। आर्टिकल 234 ये कहता है, 234 ये कहता है कि जो अदर पोस्ट हैं, जुडिशियल पोस्ट हैं बिलो डिस्ट्रिक्ट जज, उसका जो प्रावधान है, उसका जो अपॉइंटमेंट है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस करेंगे। देखिए आर्टिकल 312 में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर आर्टिकल 312 के तहत ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का निर्माण किया जाता है तो आर्टिकल 233 और 234 में जो प्रावधान है वो इस ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के निर्माण के आड़े नहीं आएंगे, मतलब कि प्रॉपर तरीके से निर्माण किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एंट्री 70 है हमारी यूनियन लिस्ट की, वो भी पार्लियामेंट को यह अधिकार देती है कि वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का निर्माण कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँ तो वो ये है
कि हमारे संविधान में पर्याप्त प्रावधान है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कुछ कंसर्न्स है इस बारे में। पहला कंसर्न ये है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का निर्माण कुछ इस आधार पर किया जा रहा है कि एक पेनिशिया की तरह काम करेगा और जो वैकेंसी क्राइसिस है उसे रिजॉल्व कर देगा। जो वैकेंसीज बहुत सारी सीट्स खाली पड़ी हैं उन्हें भर दिया जाएगा। समझने वाली बात यह है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज केवल सबॉर्डिनेट जुडिशरी के लिए ही काम कर सकता है, लेकिन वैकेंसीज तो ऊपर भी हैं जिसके लिए ये काम नहीं कर सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट, सपोज करिए कि यूपीएससी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम लेती है, तो यूपीएससी जो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए एग्जाम लेती है, 22% पोस्ट तो अभी वहाँ ही वैकेंट पड़ी हैं। तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि जब यही यूपीएससी एआईजीएस का एग्जाम लेगी तो सारी पोस्ट को फटाफट फिल कर दिया जाएगा। दूसरा कंसर्न ये है कि नीति आयोग ने जब ये प्रपोजल दिया तो आर्टिकल 312 के एम्बिट के बाहर दिया। मतलब उन्होंने ये बोला कि जो सिविल जज हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, लीगल एडवाइजर्स हैं, उनकी भी नियुक्ति ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के द्वारा होनी चाहिए। अब देखिए, ऐसा करने के लिए तो संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और सपोज करो कि आपने अमेंडमेंट कर भी दिया तो ये जो हमारा जुडिशियल फेडरलिज्म है उसके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट कर देगा। तीसरी बात, ये कॉम्प्लेक्स इशू है जिसको ओवर सिंप्लीफाई किया गया है, क्योंकि ऐसा ही एक नोट प्रिपेयर किया गया था लास्ट ईयर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा, जिसका लगभग आधे हाईकोर्ट ने विरोध किया था। कंक्लूजन में ये बोला गया है कि जो नीति आयोग है उसने कई सारे इश्यूज को अनएड्रेस छोड़ दिया है। ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, पॉलिसी विजन है, ये काफ़ी ब्रॉड है लेकिन हाइपरबोलिक है। चूंकि नीति आयोग एक चीफ पॉलिसी थिंक टैंक है तो उसे सारी बातों पर संज्ञान में लेना होगा, क्या स्कोप है, लिमिटेशंस एंड सॉल्यूशंस हैं, और उनका रास्ता भी उसे खुद ही बनाना होगा। ठीक है, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो किताबें होती हैं वो किसी भी व्यक्ति का बेस्ट फ्रेंड होती हैं? इस सवाल का जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन टेस्ट सीरीज़ के बारे में है। टेस्ट सीरीज 30 दिसंबर से लॉन्च हो चुकी है। टोटल 18 टेस्ट हैं इसमें और इसकी फ़ीस 1800 रुपये है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सी सैट की बैचेस आज से लॉन्च हुई हैं और जो इसकी फ़ीस है दैट इज़ 5000 रुपीज़। इसकी फ़ीस इनफैक्ट 10,000 है बट अभी इसे 5,000 किया गया है, जैसी मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप इनके बारे में अगर कोई और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। थैंक्स।